ठीक है, आप कंट्रोल करो आपका। अरे चलो, बुरा लगा होगा तो कर दिया होगा, लेकिन बुराई वाली बात थोड़ी है यार। जी सुन ले, सर की बात कर रहे हैं। दो मिनट रोबर्ट, आप अपना नंबर कैसे बुला मेरे से ये तो बताओ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आपका नंबर तो यार चला, मुझे कंफ्यूजन रहता है कि पापा का जो भैया का नंबर है, तीन चार नंबर है सब। तो हम लोगों ने ये वाला एल्गोरिथम कर लिया था, आज हम कुछ प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे बेटा जो हम लोगों को करना है, ठीक है। तो जैसे ये प्रोग्राम है, इसमें हमको एक सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है और उसमें इंसर्शन और डिलीशन एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द लिस्ट हमको देखना है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक malloc.h को खाली इंक्लूड किया है, आप stdlib.h को भी इंक्लूड कर सकते थे जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के लिए होती है। और यहाँ पे आपको मालूम होगा मैंने एक लिंक्ड लिस्ट का स्ट्रक्चर नोड क्रिएट कर लिया है, और स्ट्रक्चर नोड क्रिएट कर हमने एक इंट डेटा दिया है, दूसरा एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिफाइन किया है नेक्स्ट नाम का, जो नोड के नोड टाइप के स्ट्रक्चर की मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेगा। क्लियर है इसमें? ये पहले भी लिंक लिस्ट में हम लोग कर चुके हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या किया कि स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट को हमने नल कर दिया, क्योंकि हमको पहले लिस्ट को क्रिएट करना है। तो लिस्ट को क्रिएट करने से सबसे पहले हमने स्टार्ट में क्या वैल्यू डाली है, नल डाली, और उसके बाद हम लिस्ट को क्रिएट करने का एक फंक्शन, लिस्ट को डिस्प्ले करने का एक फंक्शन, इंसर्ट इन द बिगिनिंग, इंसर्ट इन द एंड, डिलीशन इन द बिगिनिंग, डिलीशन एट द एंड, डिलीशन आफ्टर ए सर्टेन नोड, और पूरी लिस्ट को डिलीट करने के हमने फंक्शन बनाए। ये सब फंक्शन के नाम है, यहाँ पर फंक्शन इनिशियलाइजेशन हो रहा है। फंक्शन इनिशियलाइज होने पे ये सारी चीजें चल रही हैं। क्लियर है? yes, इसके बाद हमने जब सारे फंक्शन डिफाइन कर लिए तो हमने अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किया। मेन फंक्शन में क्या है, एक क्रिएट लिस्ट कर रहे हैं, एक डिस्प्ले लिस्ट कर रहे हैं, दूसरा नोड के बिगनिंग और नोड के एक नोट के बिगनिंग में एक नोट के एंड में ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद हम आगे अगर चलें तो हम डिलीट करेंगे और पूरे नोड की एंटायर लिस्ट को भी डिलीट करेंगे, और ये यहां पर हमने एक ऑप्शन यूजर से एक्सेप्ट कर लिया है। क्लियर है? यस सर। अब
एक स्विच केस यूज किया। यहां पर मैंडेटरी होता है कि हम सबसे पहले सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट करें। अब ये मैंडेटरी क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? भाई ये मैंडेटरी इसलिए होता है कि अभी तक हमारे पास कोई लिस्ट तो है नहीं, और लिस्ट के अलावा अगर आप कुछ भी करेंगे, डिस्प्ले करेंगे या कुछ और करेंगे, तो वो तो फीजिबल है नहीं। भाई पहले तो लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी ना, कोई फाइल से डेटा तो आ नहीं रहा है मेरे पास। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। सबसे पहला ऑप्शन जो मुझको यूज करना पड़ेगा वो क्या यूज करना पड़ेगा? क्रिएट द लिस्ट, क्रिएटिंग अ लिस्ट, ठीक है ना बेटा? इसके अलावा दूसरा ऑप्शन डिस्प्ले का है, तीसरा ऑप्शन आपका इंसर्ट बिगिनिंग में करना है, और जो चौथा ऑप्शन है वो इंसर्ट एंड करना है, और फिर डिलीट बिगिनिंग करना है, डिलीट एंड करना है, डिलीट आफ्टर करना है, और हमको पूरे लिस्ट को डिलीट कर देना है। और डिलीट करके हम मैसेज आएगा सर्कुलर लिंक लिस्ट डिलीटेड। क्लियर है? यस सर। यस कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा इसमें अभी तक के? नो नो सर। चीजें समझ में आ रही हैं? यस सर, आ रही है। पहले वाले की तरह ना, जैसे पहले करते थे, शुरुआत का वही है। बात वही है, अभी शुरुआत में तो वही होगा, बस जो फंक्शंस हैं अब वो फंक्शन का जो डेफिनेशन होगी वो अलग होगी। ये तो पहले भी क्या था, पहले वाले में ऑप्शन ज्यादा थे लिंक लिस्ट में। यस सर। अगर ऑप्शन आपका 9 के इक्वल नहीं है तब तक ये लूप बार बार चलती रहेगी, और अगर ये 9 के इक्वल है तो ये रिटर्न कर देगा 0, यानी हम एग्जिट कर चुके हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा? यस सर। अब हमने सबसे पहला अपना प्रोग्राम बनाना शुरू किया जहां पर हमको क्रिएट करनी है लिस्ट, जहां पर लिस्ट हमको क्रिएट करनी है। यहां पर हमने नोड टाइप के दो पॉइंटर डिफाइन किए, एक न्यू नोड पॉइंटर है, एक पॉइंटर है खाली, और एक न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट की, और मैंने कहा जब आपको खत्म करना हो तो आप -1 कर लीजिएगा। ये आप कोई भी सिंबल दे सकते हो, ठीक है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक एक एलिमेंट क्रिएट करके पूरी एक सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट कर लें। और सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि एंड में नल की वैल्यू की जगह स्टार्ट वैल्यू डाल देते हैं। तो जब आप स्टार्ट वैल्यू डाल दोगे तो लास्ट वाले नोड से वापस पॉइंट होके कहाँ आ जाएगा? स्टार्टिंग नोड, स्टार्टिंग वाले नोड पे। तो ये सर्कुलर हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। अब यहां देखिए, जब तक कि नम की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होती है तब तक ये लूप हमको बार बार चलाना है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, नए नोड के लिए मैलॉक फंक्शन के स्पेस एलोकेट कराई,
और उसको किस में डाल दिया, न्यू नोड में डाल दिया। क्लियर है इतनी बात? यस सर। जब न्यू नोड में डाल दिया तो अब न्यू नोड के पास जो एड्रेस है वो नया अवेलेबल एड्रेस है। और नया अवेलेबल एड्रेस होने की वजह से हमने उसके डेटा में क्या डाल दिया, जो डेटा हमको इंसर्ट करना था। मान लीजिए इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल कर दिया, इसका मतलब केस क्या है कि अभी हमारे पास लिस्ट शुरू ही नहीं हुई है, यानी जो सबसे पहला केस होगा वो यही होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा सर। तो मैंने क्या किया, जब स्टार्ट इज इक्वल टू नल है तो न्यू नोड नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दो और स्टार्ट में नया नोड की वैल्यू डाल दो। और अगर ये नहीं है, इसका मतलब हमारी लिस्ट पहले से क्रिएटेड है। अगर नहीं है तो आप क्या करो, जो स्टार्ट के अगले वाले पॉइंटर में वैल्यू एंटर करेंगे। हाँ भाई, हमने स्टार्ट के पीटीआर वैल्यू ली क्योंकि हमको लास्ट नोड तक पहुंचना है, क्योंकि हम ऐड तो लास्ट में ही करेंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू स्टार्ट के बराबर नहीं होती। ऊपर वाली लिंक लिस्ट में क्या करते थे, जब तक नल के बराबर नहीं होती। यहाँ पे कहां तक चलना है, जब तक के स्टार्ट तक, स्टार्ट की ना हो, क्योंकि लास्ट नोड की वैल्यू किसको पॉइंट करेगा, स्टार्ट को ही तो पॉइंट करेगा। इतना क्लियर है? यस सर। अब इज इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट किया, यहाँ पे हमने आगे बढ़ते चले गए और ये तब तक चलते रहेंगे जब तक के पीटीआर की वैल्यू स्टार्ट, पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू स्टार्ट के इक्वल ना हो जाए। PTR नेक्स्ट में हम किसको, न्यू नोड को पॉइंट करने लगे और न्यू नोड नेक्स्ट किसको पॉइंट करने लगा, स्टार्ट को करने लगा। इस तरीके से हमने लास्ट में डेटा एंटर कर लिया कि नहीं कर लिया? यस सर। और फिर यूजर से अगला डेटा ले लिया और फिर से नम पे चले गए, फिर से न्यूमेरिक वैल्यू ले ली और फिर से इसको रिपीट किया, फिर से वापस यहां पे आएगा, फिर से नए नोड को एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर से एल्स में जाएगा। तो ये चीज आपकी बार 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 रिपीट होती रहेगी। क्लियर है? यस सर। अब हमें क्या करना है, हमें नोड को डिस्प्ले कराना है सारा, मतलब जो हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट है ये पूरी लिंक लिस्ट हमको डिस्प्ले करानी है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कराने के लिए हमने स्टार्ट वैल्यू को एक्सेप्ट किया जो स्टार्टिंग एड्रेस है और एक पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया जो नोड टाइप स्ट्रक्चर का पॉइंटर है। ये क्लियर है? यस सर। अब हमने स्टार्ट की वैल्यू किसमें डाल दी, पॉइंटर में डाल दी। अब जब तक पॉइंटर से नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट स्टार्ट की इक्विवेलेंट ना हो जाए तब तक ये क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। यस सर। और ये प्रिंट आपको क्या करेगा, पीटीआर डेटा को, और फिर अगली बार क्या एक्सेप्ट कर देगा, पीटीआर नेक्स्ट। तो इस तरीके से आपकी पूरी
पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी सिवाय लास्ट नोड को छोड़ के। यस सर, उसका लास्ट वाला नोड का पॉइंटर स्टार्ट होगा तो वो प्रिंट नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि वो नेक्स्ट इज इक्वल नॉट इक्वल टू स्टार्ट कर दिया है, तो वो कहाँ गया, बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए हमने स्लैश टी परसेंट डी पी टी आर डेटा करके हमने उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करा दिया है। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। यस सर। आगे चलो बेटा। यस सर। हमने एक बार एक फंक्शन से लिस्ट क्रिएट की और एक फंक्शन से लिस्ट को डिस्प्ले करा दिया। ये दोनों मुझे लगता है क्लियर होंगे। यस। अब यहां पे क्या किया, मान लीजिए मुझे बिगिनिंग में कोई वैल्यू को इंसर्ट करना था, मतलब शुरुआत में ऐड करना था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट हमने पास मिला और हमने दो नोड क्रिएट कर, दो नोड बनाए, न्यू नोड और पीटीआर। ये दोनों पॉइंटर हैं जो नोड टाइप स्ट्रक्चर के पॉइंटर हैं। उसके बाद नम में मैंने क्या किया, नम में एक वैल्यू एक्सेप्ट की यूजर से कि जो वैल्यू मुझको इंसर्ट करना था। फिर नए नोड के लिए हमने साइज ऑफ से साइज निकाला स्ट्रक्चर का और उतनी मेमोरी एलोकेट कर ली। जब उतनी मेमोरी एलोकेट कर ली तो वो मेमोरी मेरी जाके कहाँ स्टोर हो गई, न्यू नोड में। वो एड्रेस न्यू नोड में जाके स्टोर हो गया और न्यू नोड के डेटा पार्ट में हमने न्यूमेरिक वैल्यू को जाकर स्टोर करा दिया। कोई प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने PTR इज इक्वल टू स्टार्ट कर दिया और PTR के नेक्स्ट जब तक नॉट इक्वल टू स्टार्ट था तब तक हम चलते गए। ये इसलिए गए क्योंकि हमको लास्ट नोड पे भी वैल्यू को ऑल्टर करना है, क्योंकि पहले तो वो क्या दिखा रहा है, भाई मान लीजिए ये मेरी सर्कुलर लिंक लिस्ट है, यहां से स्टार्ट वाले में इसकी वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, और मैंने एक यहां पर नोड बनाया 1031 1024 है, ये पॉइंट कर रहा है 1026 को, 1025 है, यहां पे क्या लिखेंगे 1025 और ये 1026 को पॉइंट कर रहा है, जो अगला है 1026। ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये पॉइंट कर रहा है 1024 को, यानी ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। तो सर्कुलर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब जो पहले हमने क्या किया, हमने ट्राइवर्स किया, लास्ट नोड तक पहुंचे, यानी इस नोड तक पहुंचे। अब यहां वैल्यू 1027 थी तो यहां मैंने वैल्यू क्या कर दी, 1031 कर दी।
ठीक है, अब ये किसको पॉइंट करने लगा? न्यू नोड को। अब ये न्यू नोड को पॉइंट करने लगा। न्यू नोड में हमने किसकी वैल्यू डाल दी? जो स्टार्ट की वैल्यू थी यानी 1024, और स्टार्ट में अब वैल्यू कौन सी आ गई? 1031। तो ये इसको पॉइंट करेगा और ये इसको पॉइंट करेगा। तो बिगनिंग में इंसर्ट हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, हो गया। वही यहां पे चीजें लिखी हुई हैं। आगे चलूं बेटा? ये चीज क्लियर है कि फिर से समझाऊं? क्लियर है सर। यहां क्या करना है? इंसर्ट एट द एंड करना है। इंसर्ट एट द एंड करने के लिए हमने क्या किया? वही वैल्यू, वही काम करेंगे। कि यहां पर हमने दो पॉइंटर लिए, पीटीआर और न्यू नोड करके। पीटीआर और न्यू नोड में हमने वैल्यू किसकी डाली? और यहां पे एक नंबर मैंने लिया, उस नंबर का, नंबर को एंटर करा लिया यूजर से। उसके बाद मैंने यहां पे क्या किया है, एक स्ट्रक्चर नोड में मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड लेकर हमने एक डेटा एड्रेस कॉपी कर लिया न्यू नोड में। अब न्यू नोड के डेटा सेक्शन में हमने क्या किया, जो वैल्यू एक्सेप्ट कराई है नम, उसको स्टोर कर दिया और हम लास्ट नोड तक के ट्राइवर्स करते हुए पहुंच गए। क्लियर है बेटा? यस सर। यस, जब लास्ट नोड पे पहुंच गए तो लास्ट नोड के नेक्स्ट की वैल्यू पीटीआर में ले ली। अब ये चलता रहा। अब पीटीआर डॉट नेक्स्ट में हमने क्या किया, नए नोड की वैल्यू को स्टोर करा दिया और न्यू नोड नेक्स्ट में हमने स्टार्ट की वैल्यू को स्टोर कर दिया। तो कुल मिला के हमारे पास स्टार्ट में सारी वैल्यू, मतलब लास्ट वैल्यू किसको पॉइंट करने लगी? स्टार्ट को। करने लगी बेटा कि नहीं करने लगी? यस सर। यस सर। और फिर वहां पे हमने जो नया नोट था उसको इंसर्ट कर दिया नेक्स्ट में, और न्यू नोट के नेक्स्ट में हमने क्या दिखा दिया? स्टार्ट दिखा दिया। ये चीज क्लियर है ना बेटा? यस सर, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। यस सर।
हमें क्या करना है, डिलीट एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग वाले को डिलीट करना है। तो जैसे कि एल्गो इसकी पढ़ी चुके हैं, हमको कोई वैल्यू तो सर्च करनी नहीं है किस जगह पे वो वैल्यू लाई कर रही है जहां पे हमको डिलीट करना है। तो जब तक के पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू स्टार्ट नहीं हो जाए है तब तक ये चलते रहो। ये लास्ट नोड पे पहुंच गया, तो लास्ट नोड के वैल्यू मैंने क्या की, स्टार्ट डॉट नेक्स्ट, स्टार्ट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू थी वो कहां चली गई, पीटीआर नेक्स्ट में चली गई। अब पहले वाले को फ्री करने को दिक्कत है? नो सर। तो ये डिलीशन समझ में आ गया? यस सर आ गया। आगे बढ़ू बेटा? यस सर। अब अगर हमको एंड में डिलीट करना है तो हमको क्या करना होगा? भाई मान लीजिए ये एक नोड है, ये एक नोड है, तो यहां पे एक स्टार्ट नोड है, यहां पे मैंने वैल्यू डाली वन, ठीक है। अब ये नोड किसको दे रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। अब हमको क्या करना था, बिगिनिंग में से डिलीट करना था। तो बिगिनिंग में से डिलीट करने के लिए हमने क्या किया, पीटीआर नेक्स्ट डॉट स्टार्ट तक गए, सर बिगिनिंग वाला हो गया। हाँ नहीं सर, इसको इससे समझाए दे रहा हूं, सबको समझ में नहीं आया होगा ना। ओके सर, ओके सर। मैं ये कह रहा हूं कि बिगिनिंग वाला एल्गो तो हमने पढ़ लिया था, जरा डायग्राम ही समझ लेते हैं। तो यहाँ लास्ट वाले में स्टार्ट का पड़ा हुआ है, अब हमको इसी 1037 को डिलीट करना है। तो जो पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू जैसे ही स्टार्ट पे आ जाएगी, यही तो पीटीआर होगा, इसके नेक्स्ट की वैल्यू किसके आ रही है, स्टार्ट पे आ रही है। तो इसके नेक्स्ट जो पीटीआर नेक्स्ट है उस पे वैल्यू मैंने क्या किया 1024 कर दिया, और स्टार्ट में हमने क्या कर दिया, पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू कर दी 1024। तो यहां पे क्या हो गया, 1024 हो, 24 में पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू की 1024 हो गया। सॉरी यहां 1024 होगा और यहां पे होगा स्टार्ट डॉट नेक्स्ट में वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1027। तो हमने 1037 में, अब यहां ये किसको पॉइंट कर रहा है, 1024 को। तो पीटीआर नेक्स्ट में वैल्यू हमने क्या कर दी, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू यहां पर क्या हुई
स्टार्ट नेक्स्ट इज इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट, जो नया जो पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू है वो स्टार्ट नेक्स्ट में चली गई। स्टार्ट नेक्स्ट में क्या वैल्यू जाएगी, 1027 वाली, यानी वो इसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया, इसको मैंने फ्री से कर दिया। अब स्टार्ट की वैल्यू क्या हो गई, पीटीआर नेक्स्ट हो गई, तो पॉइंटर नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है 1027 को। तो अब वैल्यू मेरी कहां आ जाएगी, 1027 पे आ जाएगी। क्लियर है? ये चीज क्लियर हो रही है बेटा? यस सर, हो रही है। चीज क्लियर हो रही है ना? तो अब हमने क्या किया, पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू को स्टार्ट में डाल दिया और रिटर्न स्टार्ट कर दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़े अंबर। जी सर, बढ़िया सर, आगे बढ़िए। अगला वाला क्या केस है मेरा, अगला वाला केस ये है कि हमको जो है जो नया नोड बने हुए हैं वहां ये नया नोड इंसर्ट करना है और इस नए नोड की वैल्यू है 1043। ठीक, यहां पे एक स्टार्ट है मेरे पास, जो 1020 को पॉइंट कर रहा है। 1020 122 को पॉइंट कर रहा है। इसके बाद ये इसको पॉइंट कर रहा है 1033 और ये किसको पॉइंट कर रहा है, 1020 को। ठीक है, अब हमको ये नोड डिलीट करना है, ये नोड डिलीट करना है। तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नोड में वैल्यू डालनी पड़ेगी 1020, यानी ये यहां तक पॉइंट कर रहा है और ये मेरे पास क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। और अगर ये मेरे पास एम्प्टी हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको फ्री कर सकते हैं। यस सर। भाई फ्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? चीजें समझ में आ गई? चीजें क्लियर है बेटा? अब प्रोग्राम जो है अगले क्लास देखेंगे। ठीक है,
ओके सर, तो अगले क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।